गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और आज डे है फ्राइडे, और अभी मैं जो हूँ फेस पैक जो हूँ लगा के, नहीं थर्सडे था शायद से, थर्सडे ही था। और फेस पैक सुबह सुबह पूजा पाठ हो गया था, और अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो पालक जो है वो आज गुड्डू घर पे थे, तो वो बोले थे कि पालक मतलब एकदम बिना मसाले वाली सब्ज़ी बनाओ, गर्मी में मसाला खाने की इच्छा नहीं होती है। तो फिर मैं क्या की कि पालक जो है सो कि उसका साग बनाई। तो पालक आपको ले लेना है, अच्छे से काट लेना है, उसको अच्छे से पानी में धो देना है। एक्चुअली पालक का साग नहीं भी तो 10 या 20 तरीके से बनाया जाता है, बट ये जो है वो सबसे इजीएस्ट वे है। और सबसे बड़ी बात, बहुत टेंशन मतलब सॉरी बहुत अच्छा लगता है। तो पालक को कट करके धो करके रख दी हूँ। 8-9 जो है वो लहसुन की कली ली हूँ। तीन के करीब में हरी मिर्च ली हूँ। दोनों को रफली जो है वो क्रश करूँगी। आप चाहे तो हरी मिर्च को कट कर सकते हो, बट आप चाहे तो क्रश भी कर सकते हो। उसके बाद कढ़ाही लेना है। कढ़ाही में आपको मस्टर्ड ऑयल डालना है। कोई भी साग जो होता है ना, मस्टर्ड ऑयल में जो राई का तेल होता है उसमें बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा सा आपको राई देना है तड़के में। और उसके बाद जो आपने वो जो रफली चॉप किया था ना अदरक और हरी मिर्च को, वो जो है आपको इसके अंदर डाल देना है। जब चटक जाता है राई, अच्छे से फूट जाता है उसके बाद, ठीक है ना। अब बहुत लोग क्या करते हैं, पालक के साग में सूखी लाल मिर्च का भी तड़का देते हैं, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगता। हरी मिर्च का ही जो है वो तड़का अच्छा लगता है। साथ ही साथ साइड में जो है वो आपको लंच की तैयारी है, तो दाल भी जो है वो चढ़ाने वाली हूँ। तो गुड्डू को तूर दाल, एकदम पतला सा तूर दाल अच्छा लगता है। तो कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दी हूँ, और उस तब तक इधर राई भी जो है वो फूटना शुरू हो गया है। तो इसके अंदर जो है वो डाल दूँगी लहसुन और जो हरी मिर्च जो क्रश की हुई थी इसे, और लो फ्लेम में इसे थोड़ा सा 1 मिनट तक सौटे करूँगी। जब मुझे लगेगा कि एकदम से रेड हो गया है ना, मतलब सॉरी हल्का सा ब्राउनिश हो गया है ना, तब इसके अंदर जो वो पालक जो है जो मैं डाली हूँ धो करके ना, वो इसके अंदर डाल देने वाली हूँ। ये बहुत इजीएस्ट वे है पालक, और आप यकीन करें एक बार जब आप बनाते हो ना तो आपको मज़ा आ जाने वाला है, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है खाने में। मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। एक ये साग ऐसा है जो कि मैं चावल के साथ खाना मुझे बहुत पसंद है। गुड्डू तो पराठा रोटी के साथ भी खाते हैं, बट मुझे चावल और ये साग दे दो मैं खा लूँगी, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। तो 1 बंच के करीब में जो था पालक था, अब इसके अंदर मैं डाल दी हूँ। अब इसके अंदर जो है डालूँगी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, इसलिए क्योंकि साग आपको कितना भी बहुत ज़्यादा दिख रहा हो लेकिन गल के वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए नमक का जो अंदाज़ है आपको उतना ही रखना होता है, जो कि गलने के बाद कितना क्वांटिटी में बनने वाला है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो हल्दी डाल दी हूँ, नमक डाल दूँगी, और उसके बाद इसे कवर करके मैं छोड़ देने वाली हूँ आराम से लो फ्लेम में। 10 मिनट में जो है ये साग बन के हो जाएगा मेरा रेडी, ठीक है ना। इतना टेस्टी लगा था ना, मुझे याद है मैं मस्त खाई थी चावल और साग, ठीक है। और लगता है वहाँ पे गोल्डी का कुछ मैसेज आया या गुड मॉर्निंग की होगी और वही मैसेज की हुई है वो। तो ये हो गया, साग को मैं कवर कर दी हूँ। अब मैं एक बाउल के अंदर लूँगी तूर दाल, थोड़ा सा 2 जन खाने वाले हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा सा तूर दाल दूँगी। घी जो है वो मेरा ये हो गया है गर्म, तो इसके अंदर डालूँगी जीरा। हींग मेरा ख़त्म हो गया है, तो मैं आपको कहूँगी हींग अगर आप दाल में डालते हो तो बहुत 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 बेहतरीन होता है। तो मेरा हींग ख़त्म हो गया है, इसलिए पहले जीरा को ही चटका रही हूँ मैं। और उसके बाद इसके अंदर डालूँगी बारीक चॉप किया हुआ एकदम से प्याज, हाफ ऑनियन आपको ले लेना है, उसको चॉप कर देना है, उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आपको करी पत्ता जो है इसके अंदर थोड़ा सा डाल देना है। इस तरह से भी अगर आप दाल बनाते हो तो बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा जो अदरक है ना और थोड़ा सा लहसुन वो भी एकदम बारीक या तो चॉप करके, या फिर आप जो है सो रफली जो है क्रश करके भी आप डाल देते हो तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं जो हूँ थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ कांदा इसके अंदर ऐड कर दी हूँ। अब थोड़ा सा इसके अंदर डालूँगी करी पत्ता, तकरीबन 5-6 जो कली है करी पत्ता का डालूँगी। जब ये दोनों सौटे हो जाएगा अच्छे से, जब ये भून जाएगा प्याज थोड़ा सा, एकदम प्याज को एकदम ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सौटे करना है। इससे क्या होगा, दाल ना में मीठापन आता है और दाल का फ्लेवर और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, ठीक है ना। तो जब ये सौटे हो गया अच्छे से, उसके बाद वो जो दाल धो करके रखी हूँ वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी।
और उसके बाद इसके अंदर हल्दी और नमक ये डाल करके कुकर को जो है कर दूंगी बंद। तो भाई ये जो दाल बनेगा ना, इसको आप चावल के साथ खाओ, इसको आप फुलका के साथ खाओ, आप इसको नान के साथ खाओ, किसी के भी साथ खाते हो ना, कमाल का टेस्टी यम्मी सा जो है दाल बन जाता है। आई होप कि मेरा ये दो रेसिपी आपको पसंद आए। हाय गाइस, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं हॉस्टल वापस आ गई हूँ। इग्नोर कर दे मेरे बालों को, मैं शैम्पू की हूँ और अभी भी बाल गीला है। शैम्पू की हूँ और मैं हेयर कॉम्ब नहीं की हूँ अभी तक, सोने से पहले करूँगी क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंटली असाइनमेंट करना है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि असाइनमेंट है। और आज मैं सर से मिली तो सर ने बताया कि यही असाइनमेंट है, जबकि मैं दूसरे सब्जेक्ट का सबमिट कर देती हूँ और इस सब्जेक्ट एक और सर सब्जेक्ट है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शायद, तो उसका असाइनमेंट मैं नहीं दी हूँ। तो वो मैं भी करूँगी, मंडे लास्ट डेट है तो मंडे को मुझे देना है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, वही असाइनमेंट और गरम गरम हनी वाटर पी रही हूँ मैं। और मैं आज पूरे डॉर्म में अकेले हूँ, कल से बेसिकली सिर्फ मैं आई हूँ क्योंकि मेरे लेक्चर्स थे तो मैं आई हूँ। और अच्छा हुआ आई हूँ आज, क्योंकि मेरा कितने बजे से, 9 बजे से 1 o'clock का कंटिन्यू लेक्चर हुआ, एक भी मतलब ब्रेक नहीं था उसके बीच में, कंटिन्यू लेक्चर की हूँ मैं। और फिर आई हूँ, आई गेस 1:15 के करीब मैं अपना लंच की हूँ। उसके बाद मैं 2 बजे मेरा लेक्चर था स्पेनिश का, तो मैं सोची कि मैं रूम में आ जाती हूँ, कहाँ भटकूँगी, इतनी गर्मी है, मैं भटकती भी नहीं। अगर 5 मिनट का भी ब्रेक मिलता है ना, तो मैं 5 मिनट नहीं, 5 मिनट ज़्यादा हो गया, मतलब हाँ 5 मिनट एक्चुअली ज़्यादा हो गया, तो समझिए 30 मिनट्स का अगर ब्रेक रहता है तो मैं अपने रूम पर आ जाती हूँ। फिर जब टाइम होता है तो मैं निकलती हूँ। तो मैं बस रूम में आ गई लंच करके, उसके बाद 2 o'clock लेक्चर था, तो मैं यहाँ से 1:45 या 1:50 के करीब मैं निकली। और फिर मैं लेक्चर रूम, मेरा 7th फ्लोर पे स्पेनिश का, तो वहाँ पे गई तो मैं 5-10 मिनट तक वेट की। वैसे तो जब भी मैं जाती हूँ तो 5-6 लोग बैठे रहते, तो आज कोई भी नहीं था। आई वॉज़ लाइक क्या हो रहा है, खाली क्यों है। फिर मैं 5 मिनट वेट की, क्योंकि मैं 2 बजे से पहले पहुँच गई, तो मैं सोची गई 2 बजे आएंगे लोग। 2:15 हो गया, कोई नहीं आया, तो मैं सोची कि जाके मैं पूछ लेती हूँ स्टाफ रूम में कि सर आए कि नहीं, अगर आए हैं तो मतलब लेक्चर लेंगे या नहीं। तो जब मैं गई तो मुझे पता चला सर ही नहीं आए, सर का कहीं मीटिंग है बाहर, तो वो बाहर गए मीटिंग करने के लिए और उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया। तो वही है, तो फिर मैं वापस रूम में आ गई, नहाई, शैम्पू वैम्पू की और फिर सो गई। कितने बजे, 5 बजे सो गई और 7 बजे उठी। फिर मैं 7:30 ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट बोल रही हूँ, डिनर करने गई। आज डिनर में पाव भाजी था और कट फ्रूट्स थे। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैं खा गई सब। तो वही है, उसके बाद मैं अभी आई हूँ, अभी टाइम हो रहा है 9:06। अटेंडेंस वटेंडेंस सब करके आ चुकी हूँ और अभी मैं असाइनमेंट कर रही थी। और मैं सुबह से, कल से एक्चुअली एक भी चीज़ शूट नहीं की व्लॉग के लिए, और मैं सोची कि अभी शूट कर लेती हूँ। सो वही है, देखिए मेरा सेटअप तैयार है पढ़ने का, तो मैं अभी जा रही हूँ पढ़ने के लिए, बाय। और हाँ, बाय द वे, मैं कैम बंद कर रही थी, फिर दिमाग में आया कि मैं डे बता दूँ, आज फ्राइडे है। हाय गाइस, तो अभी मैं ये हाय गाइस 5th टाइम बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू 5th टेक ये मेरा, और जल्दी जल्दी बोली नहीं मैं। अभी टाइम हो रहा है 4:10 और जैसे कि आप देख सकते हो कर्टन्स जा चुके हैं, कर्टन्स गए हैं लॉन्ड्री में वॉश होने के लिए। और ये मैं एमिटी का बेडशीट ब्लैंकेट दिया था वो लगा दी, और ये हमारा एवरग्रीन ब्लैंकेट बेडशीट सॉरी वो है, वो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर कर्टन। तो अभी आप सोचोगे 4 o'clock हो रहा है, सताक्षी रूम में, आज सताक्षी गई नहीं क्लास के लिए, लेक्चर्स के लिए नहीं गई हूँ आज मैं, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था और मैं अभी चाय बना के पी, मुझे स्नैक्स के लिए भी जाने का मन नहीं कर रहा, बहुत पेन हो रहा है। बट मेरे पेन में रिलीफ आया है, क्योंकि आज मैं यूज़ की इस बार अमृतांजन का रोल ऑन, विच इज़ फॉर हेडेक, और ये फास्टर रिलैक्सेशन रोल ऑन है ऑन दी गो, मतलब जहाँ पे भी आप इसको लेके जा सकते हो, जहाँ दर्द हो रहा है आप लगा लो रोल ऑन। मेरा इसी में हेडेक थोड़ा कम हो गया है, और मैं एक्चुअली 2 और लेके आई हूँ इसका। ये है स्ट्रॉन्ग पेन बाम, दिस इज़ फॉर हेडेक एंड बॉडी पेन, ये ग्रीन वाला है।
और इसका प्राइस 135 रुपीज़ है, बट बहुत अच्छा है। बट मैं अभी तक इस पर पहुँची नहीं हूँ कि मेरा स्टेज वन में ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। और थर्ड है इसका अमृतांजन महा स्ट्रॉन्ग पेन बाम। तो ये जब आपको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ये दोनों ट्राई कर लिया और अब आपको लग रहा है कि अब मुझे मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, तब आप ये वाला यूज़ करोगे तो एकदम ठीक हो जाता है। ये 48 रुपीज़ का, इसका बड़ा भी आता है बट मैं छोटा परचेस की थी, सो वही है। और मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ था, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। बहुत टायर्ड हूँ आज, अभी बेसिकली अभी पढ़ाई कर रही हूँ। बाय। यही अपडेट था आज का, मेजर अपडेट मेरे कर्टन्स जा चुके हैं। इसीलिए मैं इसका जिंजर और ये इलायची वाला पीती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। बाय। मैं असाइनमेंट कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के 7:30 हो चुके हैं, मेरा पूजा पाठ नहाना धोना सब खत्म हो चुका है। मैं पेट्रोल भरवाने के लिए स्कूटी में और अभी 7:30 हो रहा है, मैं नहीं गई हूँ आज। मोस्टली यही होता है कि जब गुरुवारी में जाते पेट्रोल भरवाने का भी मैं पीछे निकल लेती हूँ, पूजा पे ही बैठी हुई थी और थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो अभी तक की कहानी यही है। गोल्डी दीदी को तो आप देख ही चुके हैं, उनकी स्थिति थोड़ी दयनीय है, गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है। साथ ही साथ उनके रूम का जो हॉस्टल का जो रूम का जो कटिंग है, वो बोला गया था कि 3 डेज़ में आ जाएगा वॉश करके। 3 डेज़ नहीं, मंडे को गया तो बोला नेक्स्ट मंडे, तो 7 डेज़ में आ जाएगा। ये शायद थर्सडे को हो सकता है, इस मंडे को आ जाए, क्योंकि पूरे हॉस्टल का लेके गए तो टाइम तो लगेगा ही ना। तो घर से भी उसको पता था, पहले ही बता दिया गया था कि आपके कटिंग से ये इस डेट को निकाले जाएंगे। तो घर से 2-3 चादर लेकर के गई थी, तो जो मौसी निकाली उसी मौसी से वो कटिंग लगवा ली, है ना। बट कटिंग जो रहता है तो आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है ना धूप वगैरह से, और नॉर्मल चादर से आपको उतना प्रोटेक्शन नहीं मिलता। थोड़ी सी परेशान है। और इस बार जा रही थी तो मैं बहुत सारे रेडी टू ईट जो है उसको दे रही थी, क्योंकि गर्मी में अगर जाने की इच्छा नहीं है तो कुछ अगर खाना है तो खा सकती हो, बट मेरी इच्छा नहीं थी। रेडी टू ईट जो होते हैं प्रोडक्ट वो उतने सही नहीं होते हैं, बट बोली का था कि मम्मा दे दो ना, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, मम्मा ट्राई करूँगी। कभी भी मैं आज तक गोल्डी को दी नहीं थी ना अंशु को, लेकिन इस बार जिद करके गई तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं लेके जाओ। तो अभी उसका वही सहारा होता है, गर्मी में जाने की इच्छा नहीं होती है। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर ही खत्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ, इसी ड्रेस में आपको नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा।